इनको थोड़ी सी समझने की कोशिश करो ना, की कर रही है बुढ़िया यही काम करती है। अच्छा मतलब मैं और इनकी जो परेशानी है वो ये है कि जो इनकी बहू और बेटा है उन्होंने इन्हें दुखी कर रखा है, इन्हें घर से बाहर निकाल दिया है, ठीक है, और इनने हम तक पहुंचाया है इनके पड़ोस के एक लड़के ने। तो एक बार आंटी जी आप बताएं कि क्या हुआ है आपके साथ। बेटा ऐसा कि हमारी बेटे की शादी को 2 साल हो गए हैं और हमने नया मकान लिया था, तो मकान हमने सोचा कि बेटे के नाम से ही कर देते हैं, पर जैसे उसकी शादी हुई मकान उसके नाम हुआ, बहू ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। अच्छा। और हमें घर से निकाल दिया। अब मकान उनके नाम हो गया तो हमारा कुछ भी नहीं है। तो आपने हमें घर पे बात लव मैरिज की थी पर कोई सुनता ही नहीं, वो किसी की सुनती ही नहीं है। लव मैरिज करी थी, लव मैरिज ही थी एक तरह से। अच्छा, आप एग्री हो गए जी। हमने सोचा चल बेटे की खुशी है तो हमने मान लिया। सही बात है। सोच के अच्छा ही किया, पर उसने हमें ऐसे करा कि वृद्धाश्रम में निकाल दिया। अच्छा, अब हमें घर से। आप बताएं अंकल कि अगर आप उसके पास जाते हैं बोलते हैं, क्या कहती है वो, क्या चाहती है वो? तो यही कहती है जी आप अपना अलग रहो, हम अपना इधर अपना हम अलग रहेंगे, आपको घर में नहीं रखना बस। तो लड़का कुछ नहीं बोल पाता? अरे नहीं, वो तो कुछ बोलता नहीं, वो तो बिल्कुल लल्लू है समझ लो वो तो। अच्छा, वो तो हाँ बिल्कुल, वो तो जो वो बोलती है वो हाँ में हाँ मिला देता है। तो आप इसके ऊपर एक्शन ले सकते थे, कहीं जा सकते थे, उसके माँ बाप को बुला सकते थे, क्या करती है फिर वो अगर आप ऐसा बोलते हो तो? वो कहती है घर से बाहर जाओ, कुंडी लगा देती है अंदर से और दरवाजा नहीं खोलती। अच्छा। हम तो बहुत परेशान है, कभी किसी मेहमान के घर जाके रुक रहे हैं, कभी किसी के घर रुक रहे हैं। काम करती है ना, हमें ढंग से खाने को देती। अच्छा। है टाइम दोस्त यार पार्टी यार बस यही सब चलता है। तो किसी आप ये बोल रहे थे कि कुछ कुछ इल्ज़ाम लगाने के लिए बोलती है, उससे डर है आपको कहीं? हाँ डर तो लगता है कि कुछ उल्टा सीधा और ना कुछ बोल दे। अच्छा, तो इसलिए हमें थोड़ा डर तो लगता है। ठीक है, अभी कितनी देर में वो लोग आ जाएंगे? आपने लोकेशन भेज दी है उन्हें? हाँ लोकेशन तो भेज दी है। कितनी देर में आ जाएंगे? 10 मिनट में कह रहे थे आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ही वो आएंगे आप ऐसे बात करना अपने लड़के से हक जता के कि वो मान जाए। ठीक, और उसे भी समझाए। ठीक ठीक है, अगर नहीं मानते हैं कुछ भी उल्टा सीधा करते हैं फिर मैं कैमरे के पीछे रहूँगा, सब सुन रहूँगा, देख रहूँगा, आ जाऊँगा। ठीक सर। ठीक है जी। ठीक है, तो गाइज मिलता हूँ वीडियो के बीच। हाँ जी, कहाँ पे बुलाया आपने? हाँ बेटा, किस लिए यही बुलाया आपने? हम दोनों को किस लिए बुलाया बुढ़िया? बोलने का क्या तरीका? बोलने का तरीका मेरा है। तेरी घर में तेरी भाभी तेरी माँ से ऐसे बोलती है? मेरी माँ पे मत जा, मेरी भाभी पे मत जा। बेटा थोड़ा आराम से बात कर लो बेटा, थोड़ा तुम भी बात तो समझो ना। तुम्हें अगर तुम्हें कोई बात करनी थी तो घर में बैठ के करते ना। घर से तो निकाल दिया तुमने, तो घर पे कैसे बात करेंगे? समाज में अगर तुम्हारी इज्जत नहीं है तो हमारी तो है नहीं। घर से तो तुम निकाल चुके हो। ऐसे नहीं, बहुओं से ऐसे बोलते हैं क्या ये बताओ तुम मुझे? नहीं तो तुमने तुमने जो उसके साथ करा है तो ऐसी बोलेगी? क्या किया हमने उसके साथ? तुमने जो उसके साथ बर्ताव करा है अभी तक? क्या बर्ताव किया? जो भी करा तुम्हें पता नहीं है? बहू की बातों में सब आया हुआ है। बहू की बात मुझे दोनों को समझना पड़ता है ना। हमने मकान तेरे नाम करके गलती करी है? तो हर माँ बाप देते हैं बच्चों को तो घर। मैं तेरे को भी समझाता रहा था मकान अभी इसलिए नाम मत कर, तुमने भी बड़ी जल्दी कर दी मकान नाम कराने की। तुम समझते ही नहीं है बातों को। अगर तुम्हें बात घर की बात करनी तो घर के अंदर करते ना, रोड पे क्यों कर रहे हो? सोसाइटी में नाम खराब करवाना चाहते हो क्या आप? हमारी नहीं, घर से निकाला तो बेइज्जती नहीं हो रही? वो पता नहीं है लोगों को हमारा घर है, हमारा घर तो हमारा घर नहीं है वो? नहीं तुम्हारा कैसे? नहीं ये वाली बात नहीं होती ना कि नाम पार्क में आ जाओ फोन को आप अपने फोन करा था आपके नाम करा था इसका मतलब हमने गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी। थोड़ी सी समझने की कोशिश करो ना। की कर रही है बुढ़िया? ये तमीज होती है ये बेटा बोलने की? तमीज होती है? हम तमीज से बोल रहे हैं आपसे। तमीज क्या है ये ऐसी मामा? ये बुढ़िया ना मगरमच्छ के आंसू है। तुमने ड्रामा बना दिया जिंदगी का, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो तुम लोग। बुढ़िया को चुप करवा यार, मगरमच्छ के आंसू निकाल रही है। तेरी माँ को कोई इसमें बात करने से काम होगा ना, रोने से काम नहीं होने का? उनको कोई घर से निकाल देगा? इन्हें समझा के रखो ना ताकि बात बने घर की। घर की बात रोड पे थोड़ी ना होती है बेटा। तू तो समझ जा, बहू अगर ऐसे कर रही है तो तू तो समझदार वाली बातें कर रहा हूं। समझदारी नहीं दिखाई बिल्कुल भी, समझदारी में दिखा रहा हूँ। तुम जो तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें पाला होगा, तुम्हें भी तो घर दिया। अगर तुमने मुझे दिया तू शराब पीती है और मल्ले वाले बताते हैं सारे कहते हैं गिरती गिरती बुढ़िया को लेकर यहां से जाओ, मैं बाद में बात करूंगा। गिरती हुई आती है। अरे तुमने सारे इल्जाम इस पे लगा रहे हो, दुनिया भर के इल्जाम मल्ले में तो बदनामी है। सारे यही काम करती है। अच्छा मल्ले में भाई कौन मार रहा है? क्या साले क्या लगे हैं तेरे?
डर क्या लग रहे तेरे हाथ दूर इंसान हमने बुलाया अपनी मदद के लिए बुलाया क्या हरकत कर रहे हो तुम क्या कर रहा है तू इधर आ ये कर रहे हैं ना ये बुलाया इन्होंने मैं जंगल में बात करो ना इनसे माँ बाप है ये मेरे माँ बाप है और माँ बाप से ऐसा बात करें तो करेंगे नहीं माँ बाप से ऐसा बात करें माँ बाप करनी पड़ेगी ना बदतमीज कर रहे हैं बहू के साथ ये बहू के साथ कर रहे हैं बोल रहा हूँ ना आवाज बंद कर ले वरना एक रहपट में ना नाश्ता हो जाएगी ऐसे कुछ भी बोलने में माँ को कुछ भी बोलने में तुझे शर्म ही नहीं है शर्म नहीं क्या क्यों मार रहे हो क्या कर रही है तू क्या हस्बैंड है मेरे क्या लगे माँ जैसी ना होती सास माँ जैसी ना होती है क्या सास माँ की तरह होती ना है टॉर्चर ना, करती है अच्छा टॉर्चर करती है तेरे सारे की सारे टॉर्चर पर निकाल दूंगा मैं क्या करा तूने इनके साथ में किसको बुला लाए हो आप लोग अपनी मदद के लिए बुलाया हमने अगर मैं बता दूंगा ना किसको बुलाया और मेरा पता चलेगा ना यहाँ से दोनों का हल खराब कर दूंगा अभी भी साले एटीट्यूड का अपना रहा तेरा अबे तू है कौन कौन बताऊं तुझे हमने बुलाया इनको अपनी मदद के लिए ड्रामे हुए तमीज नहीं तेरे को बोलने की बिल्कुल भी तू पावर जानता हमारी अगर तू जान गया ना तो इनके बीच में नहीं आएगा तू मैं बता रहा हूँ तुझे इनकी वजह से इन दोनों की शर्म है जो तू बचा हुआ है तू पावर दिखा रहा है अगर ये दोनों और ये तीनों नहीं होते फैमिली झगड़ा नहीं होता तू आज मैं बता देता हूँ पावर दिखा रहा है मेरी वजह से दिखा रहा है पावर मेरी वजह से सुन क्यों रहे हो आप लगाओ इसमें क्यों बुलाया मेरी वजह से पावर जो दिखा रहा है मेरी मेरी पावर की वजह से है बताऊंगा तुझे मैं किसको बताएगा मैं तुझे बताऊंगा जिसे लेकर आए हो तुम तुम्हारे जाने के बाद बता दूंगा तुम सबको मैं अब बता दे इनके जाने के बाद बता दूंगा सबको क्या बताएगा तुम हाथ उठा रहे हो क्या बताएगा तू क्या बताएगा हाथ उठा रहे हो क्या बताएगा मान जाओ तमीज नहीं है गवार रहे बिल्कुल एक नंबर का इतनी शर्म नहीं आई माँ बाप को बाहर निकाल दिया कि तू क्या करती है सारा दिन बता दूंगा सबके फैमिली हमने सारी बात बता दी इनको सब पता है सब बता दिया है सब बता दिया हमने साले को इसे ले जाकर मार चले गए इधर आ तू इधर आ हाँ तमीज नहीं है इसकी माँ को बोलते वो सुनती ही नहीं हमारी शर्म नहीं एक बार भी के बाप जैसा हो गया ससुर क्या करी तुझे क्या बोल रही है तू तो काम करती है हाथ उठाने को पड़ती है मेरे को कहते जेल में बंद करवा दूंगी उल्टा सीधा एग्जाम लगा के तू करवाएगी जेल में बंद हां करवाऊंगी एक रैपट में ना गिरा दूंगा तुझे तो घूमते रहती 36 लोगों के साथ आपने देखा मेरे को घूमते हुए 36 लोग और क्या घूमती नहीं है हां चला रही है मारो इसके मैं देख लूंगा मारो एक इसके लगाओ ये अपना अच्छा नहीं कर रहे हैं 4 बजा दिया और अच्छा नहीं कर रहे हैं क्या अच्छा नहीं कर रहे हैं मुझे बता तू देखता नहीं है क्या बोलता है वो कि तुम्हारी बहू है तेरी दिख रही मुझे क्या हाल कर रखा तूने इनका पता नहीं किसको बुला के आप बेइज्जत कर रहे हो अभी पता चल जाएगा किसको तो हमारी जबरदस्ती हो रही है वहां पता नहीं चल रहा जो हमें घर से बाहर निकाला हुआ है अड़ोस पड़ोस क्या कहता है तुम्हारी बहू को छल्ले उड़ाती फिरती है प्रॉपर्टी तो तुमने मेरे नाम कर रही है अरे यही तो गलती कर बैठे यही तो गलती कर रही है घर में मैं रहूंगी तू प्रॉपर्टी भी वापस करेगी सब कुछ वापस लेकर आवे लेकर आई इसे मैं देखूंगा यहां लेकर अरे तुम सबको देख लूंगा मैं देख लेगा सबको देख लूंगा इनकी समझ ना रही साले मारते मारते अरे तेरा क्यों मार हाल खराब कर दूंगा पीछे खड़ी हो चल मैं बताऊंगा सबको देख क्या कैमरा वो कैमरा रिकॉर्ड कर रहे हो सारा रिकॉर्ड है सारा अब क्या मुंह छुपा रही है बाद में बात करेंगे अब दिखाओ ना बाद में क्या होगा बाद में अब बताओ अरे तुम रिकॉर्ड करेगा मैं लगाऊं जरा रिकॉर्ड करके बात कर रहे हो ना हैं रिकॉर्ड करके बात कर रहे हो ना अब बता ना रिकॉर्ड करके बात कर रहे हो ना ठीक मैं देखूंगा इधर अब पता चलेगा अब क्यों हवा खराब हो गई तुम्हारी इतनी बदतमीजी से बोलती है ना तो तमीज नहीं है तेरी माँ को सबको दिखाऊंगी ये वीडियो में देखना अब तुम्हारी हवा क्यों खराब हो गई अब बोलो ना अब बोलो देख रही है देखेंगे ना दिख गई साले यहाँ से फेसबुक यूट्यूब और थाने यहाँ से सीधा का सीधा क्या सोच रहा और ये हाथ अभी भी साले ऐसे कर रहा देख अब बोलना अब बता बाप की वजह से जो है बाप की वजह से सबकी मैं इज्जत भी कर रहा हूँ इज्जत कहाँ करी तूने इन्हीं की बदौलत है तुम दोनों की बदौलत जो मैं सबकी इज्जत कर रहा हूँ बताऊंगा इन सबको बता दो तेरे को आगे से करेगा चलो ठीक है क्या ठीक है आगे से करेगा क्या ठीक है बात कर लेगा बात करेगा अभी दमका रहा है क्या बात कर नहीं दमका रहा अभी भी ये बता अभी भी टोन देखो इसका क्या अब बोलना क्या ज्यादा दबंगई दिखा रही थी दिखाना उन्हें बोल शर्म नहीं मैं हूं बन के बेटा बता बदतमीजी कर रहे हैं बूढ़ों के साथ बोल
अभी भी माफी ना मांगी जा रही है। चलो एक काम करो, अब जो भी हुआ माफ कर दो दोनों का, अब आगे से तुम हमारे घर में रहना। हाथ जोड़ी से, हाथ जोड़ी बोल रहे हैं ना, ना ये हमारे माँ बाप हैं, हमें आदर्श करते हैं। तुमने अभी इनके सामने बोल रहे हो, घर जाके बदतमीजी करोगे, मेरे को पता है बदतमीजी करोगे। अब हमारी समझ में आ गया, समझ में तो बेटा याद रखिए वीडियो है तेरी, ठीक है, और तेरी भी। अब तुमने वीडियो बना लिया भाई, समझ में आ गया। अब आइंदा से दुखी नहीं रहेंगे, दुखी साले तुझे घर में घुसने ही ना देने को, ठीक है, आइंदा से दुखी नहीं रहे। अगर ये दुखी रहे तो तुम मुझे बता देना तुम्हारी, देखो हमें माफी कर दो, आइंदा से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, हम तुमसे नहीं माफी, माफी इनके सामने मांग रहा, घर जाके तू वही करेगा। सुनो माता पिता हो, माफी जब मिलेगी प्रॉपर्टी पहले हमारे, तुम घर जाके ना वही हाल करोगे फिर दोबारा से। देखो सुनो मेरी समझ में अब आ गई, थोड़ी लेट आई लेकिन अब आ गई, ठीक है, इन्होंने मुझे समझा दिया, मेरी समझ में अब माफी जब मिलेगी हमारे नाम हमारी प्रॉपर्टी वापस, ठीक है, जो तुम कहोगे वो कर देंगे। जब तुम सुधर जाओगे ना तो हम दोबारा दोबारा आपके नाम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे तुम कहोगे वैसा करूंगा। अच्छा जैसा एक काम कर, इसे लेके जा, मैंने देख लिया इसकी हालत, वहां चल चल चले चल उधर को चल। तो गाइस आपने अब देख ही लिया कि क्या हालत है, ठीक है, और मुझे लग रहा है इनके मगरमच्छ के आंसू हैं और ये माफी भी ऐसी है, मगरमच्छ के ही हैं बेटा ये, ठीक है ना। सुधरने वाले नहीं, अभी अभी यहाँ से मैं क्या करूँगा, आप दोनों हो जिम्मेदार, ठीक है, आपको लेके जाऊँगा घर पे, घर पर चाबी तुम्हारे हाथ में दिलवाऊँगा, ये इनकी हालत तो ख़राब है, अगर आप परमिशन देते हो तो दोनों को थाने में ले जाके बैठा। नहीं चलो अगर देख लेते हैं, अगर समझ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसके लिए क्या करना, हाँ जी क्या करूँगा मैं, इन्हें घर से निकालेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टी सारी नाम कराएंगे जो तुम्हारी है, हाँ। वो सारी नाम करा के इन्हें बाहर निकालेंगे, अगर अकल आ जाएगी 15 दिन 20 दिन जितने दिन में भी होगा ये इन्हें तब रखें। हाँ ढंग से रहेंगे तो कोई बात नहीं, रह लें कोई, हमें तो एतराज नहीं है बिल्कुल भी। किसका है बेटा, इन्हीं का ही तो है, पर ये की तरीके से रहे, लेकिन समझे तब ना, ठीक है ना। अब अगर ये समझ जाएंगे दोनों के दोनों तो ठीक है, नहीं तो इनका तो फिर सीधा सीधा थाने का इलाज, ठीक है जी। तो गाइस आपने देख लिया, माँ बाप ही होते हैं, उसके इतना सब होने के बाद में भी आज इनके मन में ये जगह है कि उन्हें घर में रख सकते हैं 10 से 15 दिन के बाद में, ठीक है, और अभी भी इनके मन में जगह है कि वो ठीक रहते हैं तो हम रख लेंगे, ये होते हैं माँ बाप, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, आस पास कोई परेशान हो वो तो हम तक पहुँच जाए, ठीक है, तो वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, यूट्यूब पर देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करना है, फेसबुक पर देख रहे हो पेज को फॉलो करना है, ठीक है, और इंस्टाग्राम पर आ जाओ, ऑफिशियल रोबिन 01 मेरा आइकन दिख रहा होगा, वहाँ जाओ, मैं वहाँ बात कर रहा हूँ, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।